चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और डिवीजन ऑफ आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक है कि क्या है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर तो दो प्रकार की जो आर्ट एंड कल्चर होती है वो हमारी, ठीक है, एक तो होती है आर्ट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है विजुअल आर्ट, ठीक है, दृश्य कला जिनको हम कहते हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पॉटरी, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट हो गए। अदर देन इसके अलावा होती है परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री, मार्शल आर्ट। और इंडियन कल्चर एक जो हम अलग से जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कल्चर में, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिलीजन, स्कूल ऑफ फिलोसफी, लैंग्वेज, लिटरेचर, कैलेंडर्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। किस चीज का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो है वो क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो क्या है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण उसको कह सकते हैं। तो एंशियंट इंडिया है, तो एंशियंट इंडिया को हम दो चार भागों में डिवाइड करते हैं। हड़प्पन आर्ट हो गया आपका, मौर्यन आर्ट हो गया, गुप्ता आर्ट हो गया और साउथ इंडियन आर्ट हो गई। ठीक है, मेडाइवल इंडिया होगी, तो मेडाइवल इंडिया को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड मुगल आर्ट। मॉडर्न इंडिया की हम बात करेंगे तो ये भी दो पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, इंडो गोथिक स्टाइल है और न्यू रोमन स्टाइल है यानी कि नव रोमन शैली है। ठीक है, यानी कि हड़प्पन कला हो जाएगी आपकी, मौर्यकालीन कला हो जाएगी, उसके बाद गुप्त कला हो जाएगी और दक्षिण भारतीय कला हो जाएगी। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत कला हो जाएगी, मुगल कला हो जाएगी और आधुनिक भारत में जो है वो इंडो गोथिक शैली हो जाएगी और नव रोमन शैली हो जाएगी। तो ये हिंदी में है और ये इसी प्रकार से इंग्लिश में इसके नाम है। ठीक है, तो इंडियन आर्किटेक्चर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रॉक कट आर्किटेक्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है। रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है, क्या रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर बेसिकली ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें हम पहाड़ों को काट कर यानी कि चट्टानों को काट करके क्या बनाते हैं, गुफा टाइप में बनाते हैं। ठीक है, गुफा टाइप में बनाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर कह देते हैं। तो क्या होता है, और द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हम बना रहे हैं, वाई कार्विंग इट आउट ऑफ द नेचुरल रॉक। ठीक है, जब हम नेचुरल रॉक से कोई भी आर्किटेक्चर जब हम बनाते हैं तो दैट इज नोन एज रॉक कट आर्किटेक्चर, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर हम कह देते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है, इस प्रोसेस में यह होगा कि द रॉक इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, वो रॉक जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, कब तक नहीं है, अंटिल द डिजायर्ड स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन, जब तक हम जो स्ट्रक्चर हम जो चाहते हैं वो ना बनाया जाए उसको हम कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए इसमें जो फेमस जो गुफाएं हैं, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर्स में, जैसे कि ये दो प्रकार की होती थी जिनको विहारा और चैत्य, चैत्य जिनको हम कहते थे, विहारा एंड चैत्य हमको कहते थे। ठीक है, इंडियन रॉक आर्किटेक्चर की यदि हम तुलना करें वर्ल्ड के साथ में तो आप पाओगे कि इट्स मोर डाइवर्स एंड फाउंड इन ग्रेटर अबंडेंस, कि भारत में ये बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्सिफिकेशन है और ये बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा संख्या में पाई भी जाती है। देर आर मोर देन 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है जो रिलीजियस कैरेक्टर, ऑल्सो रिलीजियस कैरेक्टर है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो मौर्यन एम्पायर हो गया, तो मौर्यन एम्पायर के दौरान जो जैनाज हो गए, बौद्ध हो गए, तो इन सब से रिलेटेड ये हुआ करते थे या है अभी भी, वर्तमान में भी है। ठीक है,
मॉरियंस आर कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ रॉक कट के आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जो पायोनियर है दैट इज कंसिडर्ड एज द मौर्य, यानी कि मौर्य इसके लिए कंसिडर किए जाते हैं। और जो रॉक कट आर्किटेक्चर है इस पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी आपको इसमें दिखाई देता है। तो व्हाट इज द मेन, तो मैं आपको जस्ट पहले भी बता रहा था, तो स्तूपा हो गए चैत्यायन विहारा, स्तूपा चैत्यायन विहारा, ये तीन टाइप इनके होते थे। यदि हम स्तूपा की बात करें पहले, जैसे लेट मी टेल यू अबाउट द स्तूपा, सो वी विल डिस्कस ऑन व्हाइट बोर्ड दिस थिंग, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्तूपा होता क्या है बेसिकली। तो स्तूपा क्या होता है, स्तूपा बेसिकली वैदिक काल में चला करते थे, ठीक है, वैदिक पीरियड में चला करते थे, और शवाधान के टीले थे, क्या होते थे, शवाधान के टीले थे, यहाँ पर जो शवों को रखा जाता था बेसिकली, ठीक है। तो एक सेकंड की इसको व्हाइट करते हैं पहले, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर है व्हाइट कर लेते कि ये कर ले, डार्क कलर करते हैं ताकि आसानी से देखा जा सके। So, यहाँ पे देखते हैं हम, तो स्तूपा कैसे होते थे, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे होते थे स्तूपा। स्तूपा की डिजाइन वी विल ट्राई टू डिजाइन द स्तूपा, स्तूपा की डिजाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे होते थे स्तूपा, इस टाइप के स्तूपा होते थे, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये स्तूपा आपके एक तरीके से, ठीक है, ये हो गया, इसके बाद में इस टाइप से होता था वो, ठीक है। यहाँ पे एक तोरण गेट जिसको हम कहते थे वो होता था, एक यहाँ पे होता था, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर जो है वो एक ऐसी होती थी, और इसके बाद में एक ऐसी होती है, और इसके ऊपर जो है वो दो तीन छतरी होती है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्तूपा, तो स्तूपा की आकृति हम इसको जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या, देखो जो सबसे ऊपर है जो है ये जो होती है सबसे ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, छत्रा इसको हम कह देते हैं। आफ्टर दैट ये जो डंडी है इसको हम यस्ती कह देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज हार्मिका, इसको हम हार्मिका इसको हम कह देते हैं, ठीक है। और दैट इज नोन एज स्तूपा, स्तूपा है ये मुख्य रूप से स्तूपा है। इसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, पाथ होता है जिसके चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्या होता है, स्तूपा होता है। फेमस स्तूपा क्या है, जैसे एमपी में सांची का स्तूप है, अशोका का स्तूप है, यूपी में भरवा का एक स्तूप है, तो वो काफी फेमस होते हैं, ठीक है। चैत्य और विहार, चैत्य और विहार के बारे में यदि हम बात करेंगे, तो विहार क्या थे, विहार बेसिकली क्या हुआ करते थे, निवास स्थल थे, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं रहा करते थे। चैत्य को वो पूजा ग्रह के रूप में यूज किया करते थे, ठीक है। तो हिल साइड बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम द सिटीजन टाउन्स, तो शहर से और कस्बों से बाहर रहने के लिए जो जैन मॉन्क है वो इनका यूज किया करते थे, ठीक है। तो केव आर्किटेक्चर हम इंडिया देख रहे हैं, तो केव आर्किटेक्चर इंडिया को तीन डिफरेंट फेज है इसके, फर्स्ट फेज है सेकंड बीसी से सेकंड सेंचुरी एडी है, सेकंड फेज 5th टू 7th एंड थर्ड फेज 7th टू 10th है। तो फर्स्ट फेज हम देखते हैं सेकंड टू सेकंड, ठीक है। तो इस समय पे क्या था, बुद्धिस्ट के काफी ज्यादा इन पे वो था, और बुद्धा की जो सिंबल है वो क्या है, लोटस हो गया, व्हील हो गया, चक्र धम्म चक्र परिवर्तन हो गया, इसके बाद में क्या हो गया, कमल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल कानेरी की गुफाएं हो गई, अजंता गुफाएं हो गई, कारले बाजा नासिक, ठीक है, बेदसा, तो ये कई सारी गुफाएं जो कि फेमस है, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट नासिक केव्स। तो नासिक गुफाओं की यदि मैं बात करूँ तो नासिक गुफाएं 24 गुफाएं, दे आर नोन एज पांडवलिनी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब पत्थरों से जो है वो पत्थरों को काट करके बनाई जाती थी, तो इस प्रकार का केव आर्किटेक्चर इंडिया में हुआ करता था, ठीक है। तो सेकंड फेज यदि हम देखें, सेकंड फेज दैट इज नोन एज 5th टू 7th सेंचुरी, तो 5th टू 7th सेंचुरी के तौर पर जिसको जाना जाता है, ठीक है। सो द पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा हैपेंड ड्यूरिंग दिस फेज, इसी टाइम पे जो है वो बुद्धा का जो पर्सोनिफिकेशन था वो भी हैपन हुआ था, ठीक है। एंड द प्लान ऑफ एग्जीबिशन, ठीक है, स्पेशली चैत्य रिमेन द सेम, चैत्य वही रहे जो पहले भी थे, बट बिहार अंडरवेंट सम चेंज, लेकिन बिहारों में कुछ चेंज हो गए।
ठीक है, और क्या चेंज हो गया कि भाई बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो इनके अंदर जो है वो चली गई थी। इस टाइम पे क्या हो गया था, बुद्ध की मूर्तियां जो है वो इनके इनके अंदर जो है वो चली गई थी। तो ये जो है वो मेन जो डिफरेंस उस समय आ गया था, जैसे कि एलोरा की गुफाएं हो गई, बादामी की गुफाएं हो गई, बाघ की गुफाएं हो गई, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड फेज की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फेज, दैट इज 7th to 10th century, दैट इज नोन एज 7th to 10th century। सो द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल वर आल्सो यूटिलाइज्ड बाय बोथ हिंदूज एंड जैनाज, यानी कि हिंदू और जैना दोनों के द्वारा ये बुद्ध आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस थी वो यूटिलाइज की जाती थी, जिनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो मंडपेश्वरा केव्स और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये इसके काफी अच्छे उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न एजा की यदि हम बात करें तो मॉडर्न एजा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केव्स हैं दैट आर नोन एज बराबर केव्स, ठीक है। बराबर की जो केव्स हैं ये जानी जाती हैं, ठीक है। और दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया, इंडिया में रॉक कट आर्किटेक्चर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। दे वर एक्सवेटेड अराउंड 250 BC, 250 BC में उनको एक्सवेटेड किया गया था बराबर हिल्स बिहार में, और मॉडर्न पीरियड के टाइम पे किया गया था उनको। ऑल फोर ऑफ बराबर हिल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड के टाइम पे किए गए थे, स्पेशली अशोका के टाइम पीरियड था, दैट वाज 273 to 232 BC, और उनका ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन का नाम था दशरथ, तो दशरथ के टाइम पर। इन द बिगनिंग द केव्स वर मेड फॉर द प्रोपोनेंट्स ऑफ आजीविका सेक्ट, यानी कि शुरुआत में ये आजीविक जो संप्रदाय होता था, तो आजीविक संप्रदाय के जो साधु संत होते थे उनके लिए शुरू में बनाया गया था, बट लेटर हंड्रेड्स ऑफ रॉक कट केव्स मेड ऑफ द, लेकिन बाद में कई काफी सारे बने बुद्धिस्ट जैना ब्राह्मिनकल, तो काफी सारी ट्रेडिशंस के भी बाद में जो है वो केव बनने तैयार हुए थे। बराबर हिल्स की जो चार फेमस केव्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है सुदामा केव, सेकंड इज लोमस ऋषि केव, थर्ड इज करण चौपर, एंड फोर्थ इज विश्व झोंपड़ी, ठीक है। तो फोर्थ केव है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, सुदामा, लोमस ऋषि, करण चौपर एंड विश्व झोंपड़ी, ठीक है। Among these four caves, Lomas Rishi and Sudha caves are the most important from the architecture point of view. यदि हम architecture point of view से देखेंगे तो Lomas Rishi की cave और Sudama cave जो है वो most important है, ठीक है। They are the earliest example, rock cut architecture का earliest example यदि इंडिया में कोई है तो which one are Lomas Rishi and Sudama caves. तो इनमें है क्या, वुड इमिटेटिंग चैम्बर्स हैं, यानी कि लकड़ी के भी चैम्बर्स हैं, उनकी दीवारें काफी अच्छे से पॉलिश की गई हैं, ठीक है, और इनके अलावा शीशे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से उनको बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट पेज ऑफ केव्स है तो इसमें कई सारी केव्स को हम अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो कौन सी केव की सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं, और सबसे पहले हम केव चर्चा करेंगे भज केव्स की, ठीक है। तो व्हाट, तो भज केव क्या है, ठीक है। तो ये भज केव क्या है, 22 रॉक कट केव है, ठीक है, 22 है ये, और ये वेस्टर्न इंडिया पूना के पास में ये नजदीक है स्थित है, ठीक है। बुद्धिस्ट है ये, और अर्ली फेज बुद्धा आर्किटेक्चर का जो अर्ली फेज है उसके बारे में ये दिखाते हैं, कोई बुद्धा के अर्ली टाइम पीरियड के बारे में हमको जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। और भज केव्स की जो इम्पोर्टेंट है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो है चैत्य ग्रह है, ठीक है। इन ओपन हाउस सू आर्क एंट्रेंस है, ठीक है, और इसमें कितने ग्रुप हैं, और 14 ग्रुप स्तूपा है, स्तूपा के 14 ग्रुप हैं। कार्ले की गुफाएं यदि हम देख लेते हैं कि भाई कार्ले की गुफाएं क्या हैं, ठीक है, तो क्या है कार्ले की गुफाएं, तो यदि हम कार्ले की गुफाओं के बारे में चर्चा करें तो क्रिश्चियन एरा जब शुरू होता है तो उस समय पे कार्ले की जो ये गुफाएं हैं वो मानी जाती है कि तब भी बनी हुई है, ठीक है। इट्स पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ द भज केव्स की तरह ही है, बॉम्बे कुआं हाईवे पे है ये भी, ठीक है। ग्रेट चैत्य एक केव नंबर 8 में ग्रेट चैत्य बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य इन इंडिया, और इसको लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य इन इंडिया इनको कहा जाता है। नेक्स्ट उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स हैं, उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स हैं जो कि काफी फेमस केव्स हैं, ठीक है। तो उदयगिरी की केव्स के बारे में भी हम बात करें, ठीक है। और देखो उदयगिरी की दो केव्स हैं, उदयगिरी की क्या है, दो केव्स हैं, एक तो है उदयगिरी की, एक उदयपुरी खंडगिरी की केव्स हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन एक जो है एक उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में है तो वहां पे है, तो दो प्रकार की है, तो दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये खंडगिरी वाली है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। दीज केव्स आर लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ भुवनेश्वर एंड उड़ीसा, तो ये भुवनेश्वर में उड़ीसा में ये लोकेटेड है, ठीक है।
they have been built during the region of King Kharvela around 22nd century BC. तो सेकंड सेंचुरी बीसी में इनका निर्माण जो है वो किंग खारवेल के समय पर निर्माण किया गया था. दे वर यूज एज रेजिडेंशियल ब्लॉक्स फॉर जैन मंक्स. और ये जैन मंक्स जो हैं यानी कि जैन भिक्षु जो होते थे वहाँ पे रेजिडेंशियल की तरह पे उनको यूज किया करते थे. 18 केव्स हैं और जिनमें से रानी गुम्फा है वो लार्जेस्ट केव है. वाइल खंडगिरी में 15 केव्स हैं. खंडगिरी में कितनी केव्स हैं? 15 केव्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं अजंता केव्स. अजंता केव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं हमारे सिलेबस के भी या और इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके भी. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है ये. तो अजंता जो है ये लोकेटेड कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र. तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में 29 बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे. ठीक है, हाउ मेनी केव्स आर देयर? 29 बुद्धिस्ट हैं. औरंगाबाद भगोरा एक जगह है, भगोरा नदी है उसके किनारे सह्याद्री पर्वतमाला है वहाँ पर जो है वो ये बनाई गई है. 29 है और 25th आउट ऑफ देम आर कैसी हैं? आवासीय गुफाएं हैं. ठीक है, रेजिडेंशियल केव्स हैं. और फोर्थ जो है वो एज ए श्राइन है, एज ए प्रेयर उनको यूज में लिया जाता था. हॉर्सू कर्व ऑफ हिलसाइड वाज कार्व्ड आउट टू बिल्ड दीज केव्स ड्यूरिंग द इनिशियल फेज सेकंड सेंचुरी बीसी. चत्याज विहाराज वर कार्व्ड आउट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहना केव्स. तो शुरुआत में किसके टाइम पे बनाई गई थी? सातवाहना टाइम के टाइम पे बनाई गई थी. बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 200 to 650 यानी कि 200 से 650 के बीच का इनका टाइम पीरियड है. ठीक है, इसको ही हम हीनियन फेज भी कह देते हैं. बुद्धा का हीनियन फेज भी इसको हम कह देते हैं. इस फेज के दौरान यानी कि ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है, एम्फेसिस वाले एम्फेसिस किस पे था? स्तूपा पे था. ठीक है, स्तूपा के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था. सेकेंड फेज का कंस्ट्रक्शन किया गया गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियडों में इनका किया गया. ठीक है, और बाकाटक शासकों के दौरान इनका जो है वो सेकेंड फेज में किया गया और इसको महायान फेज कहते हैं. ठीक है, और ये वो समय था जब बुद्धा को एज ए ह्यूमन जो है वो डेपिसिट किया जाता था. यहाँ पे पेंटिंग्स भी हैं, इनमें रॉक कट स्कल्पचर भी बने हुए हैं काफी ज्यादा. और ये सब के सब किस पे बने हुए हैं? बेसिकली जातक टेल्स पे बने हुए हैं. जातक टेल्स क्या होती है? और टेल्स होती है जो कि बुद्धा के जीवन की कई सारी कहानियों को, कई सारी घटनाओं को जो दर्शाती है वो होती है. मुराल पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर डन यूजिंग द फ्रेस्को टेक्निक. तो फ्रेस्को एक टेक्निक होती है, उसके आधार पर जो है अजंता में क्या की गई है? मुराल जो है वो टेक्निक की गई है. ठीक है, विशेष रूप से क्या करते हैं? नेचर की है और रेड कलर में ये बनाया गया है. ब्लू कलर जो है ब्लू कलर एब्सेंट है यहाँ पर. द बेस्ट एग्जांपल इज केव नंबर 16 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. तो ये टेक्निक क्या होती है? फ्रेस्को टेक्निक क्या होती है? वॉल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ लाइम प्लास्टर, यानी कि लाइम प्लास्टर की एक थिन लेयर बनाई जाती है और उस पर फिर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं विद वाटर कलर. पानी के कलर जो होते हैं वाटर कलर, उनकी सहायता से पेंटिंग बनाई जाती है. When the surface is still wet, जब सरफेस जो है वो अभी भी गीला होता है, ठीक है, उस समय ही बनाया जाता है. वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज गिवन अजंता इन 1983 में यूनेस्को द्वारा इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो भी जो है वो दिया गया था. ठीक है, सेकेंड फेज केव्स देखते हैं. सेकेंड फेज केव्स में सबसे पहले जो आएंगी वो है बाघ की गुफाएं. बाघ केव्स, उनको बाघ की गुफाएं कहते हैं. दीज आर लोकेटेड इन एम पी. एम पी में सिचुएटेड रही है. एक रिवर है दैट इज नोन एज बाघनी. बाघनी जो रिवर है उसके बैंक के तट पे है. फिफ्थ और सिक्स टाइम पीरियड है, फोर्थ टू सिक्स सेंचुरी में ये बनाई गई है. ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मोनूमेंट सिचुएटेड एम पी में, वहाँ ये और बिहाराज हैं. ठीक है, और जिनमें से अभी 9 थे उनमें से 5 अभी तक सर्वाइव की गई हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंट केव इज नोन एज रंग महल केव. ठीक है, और इनके अपनी मुराल पेंटिंग है जिसके लिए इनके फेमस है. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अध्यात्म के बजाय किस पे ध्यान दिया गया है? भौतिकवाद पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है. नेक्स्ट है आपकी एलोरा. एलोरा केव्स, तो व्हाट एलोरा गुफाएं क्या है? तो एलोरा गुफाएं जो है वो 34 केव्स का एक ग्रुप है और 5th to 8th सेंचुरी के बिटवीन बनी हुई है. औरंगाबाद के निकट स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है. ठीक है, और कलचूरी चालुक और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी उनके टाइम पे इनका निर्माण जो है वो किया गया. और इट इज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट. यूनेस्को हेरिटेज है. यहाँ पे जो है वो हिंदू की 70 केव्स हैं, बुद्धिस्ट 12 केव्स हैं, जैनिस्ट 5 केव्स हैं. ठीक है, तो टोटल 34 है और आउट ऑफ विच 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैनिस्ट. ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि भाई रिलीजियस हारमोनी थी. ठीक है, क्या थी? रिलीजियस हारमोनी थी.
नेक्स्ट टाइम देखते हैं कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा केव में है, केव नंबर 16 में है, जो कि काफी फेमस भी है कैलाश टेम्पल। ठीक है, कैलाश टेम्पल इज रिगार्डेड द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड। कैलाश मंदिर को दुनिया में जो वो एक पत्थर से बना हुआ, एकाश पत्थर से बना हुआ, सिंगल पत्थर से बना हुआ मोनोलिथिक एग्जीबिशन माना जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, कि एक पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है। और ये जो कृष्ण मंदिर है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाई कृष्णा। ठीक है, चालुक्य राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णा फर्स्ट जो राजा थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, किंग थे उनके द्वारा। ठीक है, देयर आर फाइव डिटेच्ड शाइन्स, यहाँ पास में क्या 5 मंदिर हैं। ठीक है, और वो सभी किन किन को डेडिकेटेड किए गए, गंगा यमुना सरस्वती, यानी कि ठीक है, जिनमें से 3 जो है वो किनको डेडिकेट किए गए, 3 नदियों को जो भारत की मोस्ट प्रोमिनेंट जो रिवर्स हैं। ठीक है, 2009 गंगा यमुना सरस्वती, तो उनको जो है वो ये डेडिकेट जो है वो किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक मंदिर है, दैट वो मूर्ति है, स्कल्पचर है, रावणा अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट माउंटेन कैलाश। और इसमें क्या कर रहा है, रावण अटेम्प्ट कर रहा है कि जो माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश को लिफ्ट करने की जो है वो रावण क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध भी है वो। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाओं से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर स्थित है, 34 का गुफा है, 34 गुफाएं हैं, 17 जो है वो हिंदू हैं, 12 बौद्ध हैं, 5 जैन्स हैं। ठीक है, 5th to 11th AD के टाइम के इनको माना जाता है। ठीक है, और ठीक है, और राष्ट्रकूट के द्वारा बनाई गई हैं, कुछ जो है वो जैन जो है वो जैन जैन वाली जो है वो यादवों के द्वारा भी बनाई गई है। ठीक है, अदर रॉक कट, अदर एग्जांपल ऑफ मोनोलिथिक रॉक कट एग्जांपल, यानी कि एक ही पत्थर से जो रॉक कट आर्किटेक्चर के कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो पंचरथा है, 5 कैरियोट्स हैं, जो कि काफ़ी फेमस हैं, अभी कुछ समय पहले ये चर्चाओं में भी थे, क्योंकि इनको अब टच करने से मना कर दिया गया है, अब कोई भी इनको टच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पंचरथा जार एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के हैं, लेट 7th सेंचुरी के टाइम पे हैं, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे, किसके टाइम पे, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे। डायनेस्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किस डायनेस्टी के टाइम पे है, तो पल्लवा डायनेस्टी के टाइम के ये है। ठीक है, दे आर लोकेटेड एट महाबलीपुरम चेन्नई, एंड ये भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाबलीपुरम में स्थित है ये चेन्नई में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द 5 रथ्स वर नॉट असेंबल्ड, ठीक है, जो 5 रथ है वो अच्छे तरीके से असेंबल नहीं किए गए हैं, और असेंबल नहीं किए गए हैं, बल्कि एक ही each of them was carved from a single piece of stone, यानी कि उनमें से हर एक रथ को एक ही पत्थर से बनाया गया, पूरे के पूरे को, आप समझ रहे हो, और सारे के सारे जो रथ है वो अलग अलग डिफरेंट स्टाइलों में बनाए गए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ रिच और इंडियन कल्चर वॉज एट द टाइम। जो रथ हैं तो कौन कौन से रथ हैं, 5 पांडवा ब्रदर्स एंड देयर कॉमन स्पाउस द्रौपदी थी, तो उनके लिए है, धर्मराज का रथ है, भीम का रथ है, अर्जुना है, नकुल सहदेव का रथ है, एक द्रौपदी का रथ है। ठीक है, तो याद रहेंगे इनके महाभारत में 5 पांडव थे, 5 पांडव थे। ठीक है, तो कौन कौन थे, धर्मराज यानी जिनको युधिष्ठिर भी कहते थे, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उन सबकी एक ही पत्नी थी, एंड वाइफ्स नेम वॉज द्रौपदी, वाइफ्स नेम इज द्रौपदी, द्रौपदी उस वाइफ का नाम था। ठीक है, तो धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तो 5 रथ थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कभी भी एनी टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क। नेक्स्ट इज बादामी केव्स। ठीक है, तो बादामी की गुफाएं क्या थी, बादामी केव्स आर ए ग्रुप ऑफ 4 रॉक कट टेम्पल्स, तो 4 रॉक कट केव टेम्पल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिनमें से 3 ब्राह्मणकल और 1 जैन जैन। ठीक है, तो आउट ऑफ देम 3 ब्राह्मणकल थे और 1 जैन है, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। बादामी की गुफाएं, बादामी की जो गुफाएं वो कहाँ पे हैं, कर्नाटका में है, और चालुक्य रीजन के टाइम पे, रिजाइन के दौरान 6th सेंचुरी AD में जो है वो इनका निर्माण किया गया था। केव नंबर 3 इज लार्जेस्ट। ठीक है, और केव नंबर 3 इज लार्जेस्ट एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, जो केव नंबर 3rd है, दैट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट केव, एंड दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु ऑल्सो। साइट्स ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर कॉन्सेंट्रेटेड बादामी, एहोल, पट्टदकल एंड महाकुता। ठीक है, इन मॉडर्न कर्नाटका, तो मॉडर्न कर्नाटका में जो एहोल है, पट्टदकल है, महाकुता है, ठीक है, इन सभी जगहों पर ये सारी की सारी जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट है थर्ड फेज, हम देखते हैं थर्ड फेज की जो केव है, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केव है थर्ड फेज में, दैट इज एलिफेंटा केव, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं।
ठीक है। तो द केव टेम्पल ऑफ एलिफेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ एलोरा, यानी कि एलोरा से बिल्कुल सेम ही है और 8th सेंचुरी AD में ये बनाई हुई है, ठीक है। ओरिजिनली मीन टू बी बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट साइट है, और यहाँ पे सेवाइट फेथ यानी कि सैव मत को मानने वाले का जो है थोड़ा सा वर्चस्व यहाँ पे ज्यादा है। दिस केव इज रिनोट फॉर इट्स स्कल्पचर्स स्पेशली फॉर द ग्रेट त्रिमूर्ति फिगर ऑफ शिवरा, शिवा शिवा का जो त्रिमूर्ति का जो मूर्ति है वो बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत ही शानदार मूर्ति है, ठीक है। शिवा इज अकिन ऑफ द त्रिमूर्ति फिगर ऑफ ब्रह्म विष्णु और महेश्वर, ठीक है, और ब्रह्म विष्णु और महेश का ये जो है ये डिपिसिट करती है, बताती है, ठीक है। 1987 में इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। और दिस केव्स एंड एलिफेंट कंसिस्ट बोथ हिंदू और बुद्धिस्ट, 5 हिंदू केव हैं और 2 बुद्धिस्ट केव हैं, जो जो हिंदू केव हैं वो शिवा को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दिस केव्स ऑल्सो रिसेम्बल द कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल के से भी ये थोड़ी बहुत मैचिंग करती हैं, ठीक है। और कैलाश टेम्पल था जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया था 18th सेंचुरी में, जो कि एक ही पत्थर मोनोलिथ से बनाया गया था, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज जैन आर्किटेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जैन आर्किटेक्चर। तो जैन आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो व्हाट इज जैन आर्किटेक्चर और जैन टेम्पल क्या हुआ करते थे। इन 16th द इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म चाइनीज, यानी कि जो 6वीं सदी थी, यानी कि ईसा से 5 सदी पूर्व, ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज जो जो है वो भारत में आर्किटेक्चर स्टाइल को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। अंडर दिस न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल जैना टेम्पल, ठीक है, और बुद्धिस्ट के बिहार और स्तूपा जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बनाए गए, ठीक है। जैना बेसिकली प्रिजर्व मेंटेन ग्लोरीफाई देरी कल्चरल एक्सटेंसिविटी, तो इसके लिए इन्होंने इनको बनाया था, प्रिजर्व कर सके अपने कल्चर वगैरह को, ठीक है, मेंटेन कर सकें, ग्लोरीफाई कर सकें उनकी कल्चरल को, ताकि उनकी संस्कृति को बता सकें कि हाउ गुड देयर कल्चर इज, ठीक है। द ग्रेट जैना टेम्पल एंड स्कल्पचर मोन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टेटों में मोस्ट इम्पोर्टेंट जैनों के जो मंदिर हैं, ठीक है, जैना स्कल्पचर है या जैना टेम्पल्स हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। तो जैना टेम्पल्स माउंट आबू रनकपुर राजस्थान, तो जैन टेम्पल्स माउंट आबू रनकपुर दे आर रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और मोस्ट स्पेक्टिकुलर जैन टेम्पल्स हैं। अपार्ट दैट जैन रॉक कट टेम्पल्स भी हैं, ठीक है, और जैन टेम्पल्स ने फॉलोड किया जिसको बुद्धिस्ट के रॉक कट स्टाइल को। तो एलोरा केव इज द यूनिक साइट सिंस इट इज, ठीक है, एसोसिएटेड विद ऑल द 3 रिलीजन्स, क्योंकि ये तीनों रिलीजन्स के साथ में एसोसिएट है, बुद्ध ब्राह्मण और जैन के, तो एलोरा बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाती है। इसके अलावा और अच्छे एग्जांपल इनके क्या हैं, अर्लीस्ट एग्जांपल उदयगिरी खांडवी केव्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ है, भुवनेश्वर में है, ठीक है, जो कि खारवेल शासक जो था जिसने हाथी गुम्फा की अभी जो था अभिलेख है, ठीक है, और जैना मॉन्क्स के लिए ये सारी की सारी बनाई गई थी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जैना जो आर्किटेक्चर्स थे, जैना जो टेम्पल थे या जैन मंदिर जो हुआ करते थे, उनके मेन फीचर्स क्या थे, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ जैना टेम्पल्स। तो लेट्स सी व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ जैना टेम्पल्स, ठीक है, जैना टेम्पल्स के मेन फीचर्स क्या थे, लेट वी लेट्स सी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑफशूट ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल, ठीक है, ऑफशूट ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल से थोड़ा बनाए गए थे। ब्रिक्स वाज हार्डली यूज, ठीक है, मोस्टली रॉक कट के ही बनाए गए थे, पत्थरों का यूज मतलब ईंट और ब्रिक्स का जो यूज है वो बहुत ही कम जो है वो किया गया था। दे डिवाइडेड फ्रॉम हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल टू बिल्ड ऑन देयर ओन, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। 3 कोर बिल्डिंग एलिमेंट्स, तो इनमें क्या होते हैं, 3 कोर बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इमेज चैम्बर जिसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे मूर्ति होती है। सेकेंड इज हॉल जिसको मंडपा कहते हैं, पोर्च यानी कि रूफ स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब एक तरीके से आंगन कह लो या बरामदा की तरफ में कह लेते हो, ठीक है, एक अंतराल होता था जिसको एंट्री चैम्बर कहते थे, देयर आल्सो हैव अंतराला जिसको एंट्री चैम्बर भी कहते थे। अंतराला क्या है, स्मॉल वेस्टिला स्पेस होता था जब जहाँ पूजा करने वाले लोग खड़े हो सकते थे और वहाँ उस मूर्ति वगैरह को आसानी से देख सकते थे, ठीक है, और गर्भगृह और टेम्पल का जो मेन हॉल था उसके बीच की जगह थी, इसको कह सकते थे, ठीक है। लोकेटेड ऑन हिल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जैन साइट जो है वो कहाँ पे है, हिल्स पर है,
ठीक है, जैसे कि माउंट आबू राजस्थान, पाली ताना टेम्पल्स इन गुजरात, सोनगिरी टेम्पल्स इन एमपी, तो मोस्टली क्या है हिल्स पे ही लोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ही हिल्स पे लोकेटेड है, बट मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन हिल्स। ठीक है, तो लेकिन उनमें से जो अधिकतर है कहाँ पे है, हिल्स पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। कई सारे मल्टीपल और स्मॉल डोम्स होते थे, ठीक है, पॉइंटेड डोम्स होते थे, नुकीले जो चैम्बर्स जो होते थे उनको कहते थे, ठीक है, और ऑक्टिनल स्पेस उनके अंदर होता था, और स्मॉलर देन द वंस फाउंडेड हिंदू टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स में जो मिलते हैं उनसे थोड़े छोटे होते थे, और यही है। ठीक है, टूवर्ड्स द स्काई, स्काई आकाश की तरफ होते थे, और यूज ऑफ मार्बल, मार्बल का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है, रिच मटेरियल यूज किया गया है, और अच्छे से मार्बल वगैरह का डिजाइंड पिलर्स हैं, पिलर्स को बहुत ज़्यादा डिजाइन किया गया है। एक तो बहुत ज़्यादा पिलर उनमें होते थे, और जो भी पिलर होते थे उन पर बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग जो है वो उन पर की गई थी। वो क्या होते थे, बेंट ओकेराइट होते थे और छावनी कार्ड, यानी कि आप किसी भी जैन टेम्पल में जाओगे तो जिस किसी भी जैन टेम्पल में आप जाओगे तो उस जैन टेम्पल में देखोगे आप कि उनको जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है, उनके पिलर वगैरह को काफ़ी अच्छी नक्काशी आप कह सकते हो कि की हुई है। जगती जगती और बेदी, ठीक है, और टेरिस उनको कह सकते हैं, तो वो होती थी, ठीक है, तो ये होते थे। उसके बाद प्रकार, स्मॉल सेल्स, डोरवेज होते थे, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई वैसी कोई खास बात है नहीं। और इम्पोर्टेंट जैन टेम्पल्स की हम बात कर रहे हैं तो एलोरा एंड एहोल पेनिनसुलर इंडिया, जो इम्पोर्टेंट जैन साइट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है, एलोरा एंड एहोल पेनिनसुलर इंडिया में है। मैजेस्टिक स्टेचू गोमतेश्वरा ऑफ श्रवण वेलगोला में है, ठीक है, जिसको हम बाहुबली जी की मूर्ति कहते हैं, बाहुबली की, ठीक है, और महामस्तकाभिषेक भी होता है उनका, अभिषेक भी होता है, शायद फरवरी के मंथ में उसको महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में यदि हम बात करें तो खजुराहो, देवगढ़, चंदेरी, ग्वालियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मार्वलस एग्जाम्पल हैं किसके, जैन आर्किटेक्चर के। वेस्ट गुजरात और राजस्थान में भी जो है वो काफ़ी अच्छे जो जैनिज स्कल्पचर वगैरह जो है वो मिलते हैं। अकोटा इज फेमस फॉर जैन ब्रॉन्ज इमेज, जैन की जो ब्रॉन्ज इमेज के लिए फेमस है, दैट इज बड़ौदा गुजरात के पास में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान है, दिलवाड़ा के टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जैन सिचुएटेड है। रणकपुर टेम्परेचर है टेम्पल है, रणकपुर के जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, रणकपुर टेम्पल, और फर्स्ट जैन तीर्थंकर उनको कहा जाता था लॉर्ड आदिनाथ, तो उनको जो है वो डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, जैन आइकन्स की यदि हम बात करें, इम्पोर्टेंट जैन आइकन्स कौन कौन से हैं, तो ये तो हम सबको पता ही है कि भाई देखो बहुत ही अच्छी मटेरियल, रिच मटेरियल यूज किया जाता था, मार्बल मेटल आदि। ठीक है, तो एट श्रवण बेलगोला में बात करें तो 57 फीट ऊंची है, मोनोलिथिक स्टेचू है लॉर्ड गोमतेश्वरा का, एक ही पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, पीक ऑफ विंध्यगिरी, विंध्यगिरी पर्वत है उसकी चोटी पर बना हुआ है बाहुबली, इसको लॉर्ड बाहुबली कहा जाता है। पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनके बेटे बाहुबली के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, भवन गजा में देख लेते हैं कि भाई भवन गजा में क्या थे, इट इज़ नोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेगालिथिक स्टैचू। अधिकतर स्टैचू आप देखोगे तो कैसे हैं, एक ही पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन ये मेगालिथिक है। ठीक है, और माउंटेन से बना हुआ, फर्स्ट जन तीर्थंकर लॉर्ड आदिनाथ को ये जो है वो डिपोजिट किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, तो वट वॉज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, की एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, सो वट आर द की एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बुद्धास की लाइफ से, सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धा की लाइफ, टेल्स, स्टोरीज को बताते हैं। अशोका वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, को सबसे ज्यादा संरक्षण यदि किसी ने दिया तो अशोका ने दिया था। तो वट आर द की एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, स्तूप विहार चत्यास। ठीक है, वी हैव टॉक अबाउट देम, ठीक है, हम पहले अर्लियर हम बात कर चुके हैं अबाउट स्तूपा विहाराज एंड चत्याज। ठीक है, लेट्स टॉक अगेन अबाउट स्तूपाज, तो वट आर द स्तूपाज एंड हाउ द स्तूपाज वर मेड। ठीक है, वट आर द आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपाज। ठीक है, तो ये स्तूपा इज ए डोम शेप स्क्रूड ग्यूरियल, यानी कि ये ऐसे गोल पत्थर होता था, अभी थोड़ी देर वाले आकृति बताया था मैंने। ठीक है, और ईंट वगैरह का ये बना हुआ होता था। और ठीक है, इनमें क्या लिखे जाते थे कि भाई बुद्धा से रिलेटेड कोई भी कीमती वस्तुएं, जैसे उनके बाल हो गए, उनके अवशेष हो गए, ठीक है, उनकी कोई किसी प्रकार के दांत हो गए या कोई छोटी मोटी कोई उनकी हड्डी हो गई, तो वो उनको रखा जाता था। ठीक है, ओल्डेस्ट फेमस स्तूपास की यदि हम बात करेंगे तो दे आर सारनाथ, सांची, अमरावती एंड भरूच।
these four stupas are really, really very famous and oldest stupas: Sarnath, Sanchi, Amravati, and Bharuhut. Let's talk about the characteristics of stupas. So, stupas के जो characteristics हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, stupas were usually built on the foundation laid with blocks of stone or bricks. ईंटों और पत्थरों के ऊपर ये जो है स्तूपा बनाया जाता था. एट हेमिस्फेरिकल डोम, यानी कि अंडाकार आकृति में बनाया जाता था. ठीक है, और लेटर रिसियस ड्रम ऑफ द स्तूपा बिकेम मोर एलोगेनेटेड, एलिवेटेड होता चला, सिलेंड्रिकल हो गया, होता चला गया. सबसे ऊपर क्या होती थी, हर्मिका को रखा जाता था. ठीक है, उसके बाद में एक वेदिका होती थी, पांचवी होता था जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, तोरण्स होते हैं, गेटवे जिनको कहते हैं, उनको जो गेटवे होते थे उनको हम क्या कहते थे, तोरणा कहते थे. इंपॉर्टेंट स्तूपास के बारे में यदि हम बात करें तो मैं आपको पहले ही स्तूपा के बारे में बता चुका हूँ कि भाई ये क्या होती है सारा सब कुछ. ठीक है, तो ग्रेट स्तूपा सांची जो कि एमपी में है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में, ब्रिक्स और मड का ये बना हुआ है. ठीक है, और हम इसके क्या है, उसके बाद रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उनके ऊपर जो है ये बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं धामिक स्तूपा. धामिक स्तूपा कहाँ पर, सारनाथ में है. और सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में. तो सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है. तो इट इज बिलीव्ड कि ये अशोका के द्वारा बनाया गया था, लेटर गुप्ता पीरियड में इसको दोबारा से बनाया गया था. ठीक है, और यहाँ पे रिलिक्स ऑफ बुद्धा है और ये इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ बुद्धिज्म पिलग्रिमेज है वर्तमान में. धामिक स्तूपा स्पॉट वेयर द बुद्धा गिव द फर्स्ट सर्मन, और ये कहा जाता है जो धामिक का जो स्तूपा है ये वही जगह है जहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला उपदेश, अपना फर्स्ट सर्मन जो है वो दिया था. ठीक है, टू इज फर्स्ट फाइव ब्राह्मणिकल डिसिप्लिन्स, और कितने को दिया था, इनके जो पांच जो ब्राह्मण जो अनुयायी थे या इनके शिष्य थे सबसे पहले उनको दिया था. ठीक है, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, और उन्होंने अपना अष्टांगिक मार्ग सबसे पहले यही दिया था और ये बताया था कि भाई अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके ही आप क्या प्राप्ति कर सकते हो, निर्वाण की प्राप्ति जो है वो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके ही प्राप्त कर सकते हो. नेक्स्ट वन वॉज बरहूत स्तूपा. ठीक है, बरहूत स्तूपा वॉज देवर, मध्य प्रदेश में देवर में सिचुएटेड है. ओरिजिनली अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया था 3rd century BCE में. ठीक है, बट इसमें काफी सारे जो काम है वो सुंगा पीरियड के दौरान जो है वो किए गए थे. ठीक है, इसका काफी सारा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया था. ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही जो कुछ भी बचा हुआ है वो इंडिया के म्यूजियम में है. द पिलर्स ऑफ बरहूत स्तूपा रिप्रेजेंट वेरियस जातक स्टोरीज एसोसिएटेड विद बुद्धा की लाइफ. इसके जो पिलर्स हैं इन पे किसकी स्टोरी लिखी हुई है, जातक स्टोरी लिखी हुई है. और जातक स्टोरी क्या होती है, बुद्धा के लाइफ से या उनके पुनर्जीवन से या उनके पिछले जीवन से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं. ठीक है, वो सब होती है. Now let's talk about अमरावती स्तूपा. अमरावती स्तूपा that was situated in Guntur, आंध्र प्रदेश. तो अमरावती स्तूपा was the largest in आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश रीजन में जो लार्जेस्ट स्तूपा है that is अमरावती स्तूपा and is referred to the ancient inscriptions as a महाचैत्य, एंड दैट इज नोन एज महाचैत्य. इसको हम कहते हैं चैत्य, हम जानते हैं कि पूजा के स्थान होते थे जहाँ पे पूजा वगैरह करते थे. कौन, बुद्धिस्ट मॉन्क. ठीक है, इट इज ए रूइंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, यानी मतलब काफी कुछ खराब हो गया है. ठीक है, और यूजुअली ये किसके द्वारा, ब्रिंग्स के द्वारा बनाया गया है, लाइम स्टोन्स के द्वारा फिर इनको कवर किया गया है. गेटवे है इसका, डोम रेलिंग्स है अमरावती स्तूप की. ठीक है, और ऑर्नामेंटेड ब्यूटीफुली तरीके से, सुंदर तरीके से इनको इनकी कार्विंग भी जो है इसके ऊपर की गई है. रेजिडेंशियल एरिया ऑफ बौद्ध सेंट्स. ठीक है, स्ट्रक्चर रेक्टेंगल प्रेयर हॉल विद स्तूपा. तो स्तूपा के साथ में एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल होता है और इसके तीन भाग होते हैं. इंटर चैत्य है 3 divisions और सेंट्रल चैत्य एंड 2 एसलीस. ठीक है, ए रो ऑफ पिलर्स होती है और सेंट्रल चैत्य को 2 एसलीस से अलग करने के लिए पॉलिश वॉज फाउंड. इंटरनल जो अंदर की दीवार है चैत्य उनको पॉलिश की गई है. ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको बनाया गया, काफ़ी मेहनत करके. स्ट्रक्चर्स लाइक चैत्य और कॉमन इन बौद्ध हिंदूज एंड जैन. तो चैत्य के जो जैसे स्ट्रक्चर है वो जैन और बौद्ध दोनों में ही जो है वो कॉमन तरीके से मिलते हैं. ठीक है, कॉमन रूप में मिलते हैं. तो ये चैत्याज और जो ये सब जो होते थे
ठीक है, रॉ पिस्तुल्वा होते थे, लार्ज फिगर ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लार्ज फिगर होते थे, जब भी समझा बोर्ड सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर, यानी कि बैठे हुए खड़े हुए दोनों पोजीशंस में इनको बनाया जाता था। द विंडोज ऑफ चैत्या हैव बिकम एन ऑर्नामेंट टू द फिकेर, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी विंडो वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, ब्यूटीफुल चैत्या की बात करें तो एलोरा, अजंता, भजा, कारले, बाग, नासिक, कानेरी, यहाँ सब जितने भी रॉक कट आर्किटेक्चर है वहाँ सभी पर चैत्य जो है वो सभी जगहों पर चैत्य जो है वो पाए गए। लेट्स टॉक अबाउट बिहाराज। ठीक है, तो बिहाराज के बारे में बातचीत कर लेते हैं, व्हाट वर द बिहाराज। ठीक है, बिहारा, ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स, यानी कि बुद्धिस्ट मंक जो होते थे वो यहाँ पे आराम वगैरह किया करते थे। ठीक है, और क्यों बनाए गए थे, ताकि रेजिडेंस दिया जा सके रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में बौद्ध भिक्षु वगैरह यहाँ जो आसानी से रह सकें, और ये चैत्य के पास में ही बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सीन है लाइफ की, बुद्धा की लाइफ के जो सीन है उनको बना दिया जाता था। ठीक है, तो चैत्यों में स्तूप होते हैं, लेकिन बिहाराज में जो है वो स्तूपा नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या नहीं होते हैं, स्तूपा नहीं होते। दीज मोनोलिस्टिक बिल्डिंग कार्ड ऑफ्टर ब्लॉक्स टू बिल्ड टू ब्रिक्स, ठीक है, रॉक पत्थर की चट्टानों की बनी हुई है, मतलब कि चट्टानों की और ईंटों की बनी हुई है। चैत्य हॉल अटैच टू ईट, स्तूपा ये सब बनी हुई है, और ब्रिक्स और एक्सेवेटर पर रॉक है, नासिक, कारले, अजंता, एलोरा, कानेरी, बाग, बादामी के स्तूप जो है वो सॉरी बिहार जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, चैत्य एंड बिहार आर एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स कौन है, चैत्य एंड बिहार। ठीक है, तो दिस वन इज नॉन एट द स्तूपा, तो दैट इज छत्रस, छत्रप, यस्ति, हर्मिका, ठीक है, स्तूपा डोम, और ईस्ट तोरण, दैट इज वेस्ट तोरण, तो ये सारा का सब आप देखते होंगे, साउथ तोरण है, नॉर्थ राउंड है, डबल एसी है, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें बनाई हुई होती थी। तो ये किसका था, वही स्तूपा था, तो स्तूपा इस टाइप का बना हुआ होता था। ठीक है, तो महाबोधि टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं, जो कि ईंटों का बना हुआ है, बुद्धिस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं महाबोधि टेम्पल। तो कैसा बना हुआ है वो महाबोधि टेम्पल, लेट्स फिगर आउट। इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ब्रिक वे, भारत में ईंटों का बना हुआ सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कौन सा मिलता है, महाबोधि टेम्पल का मिलता है, और बुद्धा अचीव निर्वाण लोकेटर इन गया। ठीक है, बुद्धा ने यहाँ पे निर्वाण अचीव किया था, और ये कहाँ पे, गया बिहार में है। ठीक है, एम्परर अशोका बिल्ड डायमंड थ्रोन और वज्र सेना एट दिस प्लेस। ठीक है, यानी कि डायमंड थ्रोन यहाँ पे बनाई गई थी, मीन टू प्रोटेक्ट द बोधि ट्री, और ये टेम्पल जो स्ट्रक्चर बनाया गया था स्पेशली जो बोधि ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एडिशनल स्ट्रक्चर एट दिस प्लेस वर लेटर बिल्ड बाय संगाज एंड अदर, संगाज और दूसरे लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ अलग से दूसरे आर्किटेक्चर जो वो है वो भी बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, सो वी विल स्टडी अबाउट हिंदू और टेम्पल आर्किटेक्चर इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून्ड, इफ यू रियली थिंक दैट आई एम टीचिंग गुड देन प्लीज सपोर्ट मी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, हिंदू और टेम्पल आर्किटेक्चर।